नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जो करीब 17 वर्षों से फरार चल रहा था। जिस दोहरे हत्याकांड में यह इनामी गैंगस्टर आरोपी था, उस मामले में कुल 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। बताते चले कि 30 मई 2004 को देवगांव कोतवाली के अहिरौला खारिजपुर निवासी राम बच्चन व मेनगर थाने के बासुपुर गांव निवासी देवलास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी कल्पनाथ उर्फ कल्लू राजभर घटना के बाद फरार चल रहा था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की तरफ से फरार चल रहे कल्पनाथ उर्फ कल्लू पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। शुक्रवार की सुबह देवगांव कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी गैंगस्टर को निहोरगंज बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक देवगांव और उनकी टीम के द्वारा 17 वर्ष से वांछित चल रहे मर्डर और गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कल्पू उर्फ कल्पनाथ राजभर, जो थाना देवगांव अंतर्गत का रहने वाला है। सन 2004 में इसके द्वारा हत्या की घटना कारित की गई थी, उसमें गैंगस्टर एक्ट भी पुलिस के द्वारा लगाया गया था। इस पूरी घटना में जो मुलजिम थे उनको आजीवन कारावास कोर्ट के द्वारा सुनाया जा चुका है। ये व्यक्ति 17 साल से लगातार फरार चल रहा था। इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के बाद मफरूरी में चार्जशीट लगी थी। इसके बारे में पुलिस को जानकारी हुई और प्रभारी निरीक्षक देवगांव के द्वारा 24 तारीख को आज सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी टीम को जिनके द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है, मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि पुलिस के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को जो इतने लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होने से बच रहा था, जिसके विरुद्ध जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जानी थी, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से या तो फरार चल रहे हैं या पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके लिए टारगेट देके एक अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि जितने भी इस तरह के अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।